जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूं। आप मेरा मंशूर हाथ में लेके घर घर पहुंचे, साहिवाल के आवाम से बात करे, उनसे पूछे कि क्या वो ये पुराना सियासत से मुतमिन है या नहीं है, क्या वो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं, क्या वो सियासी इंतकाम को बंद करना चाहते हैं, क्या वो अपनी तरक्की का बंदोबस्त करना चाहते हैं। अगर हाँ तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। चार नहीं, मुझे एक बार चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप मुझे ये मौका देते हो तो मैं इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलूंगा, इस मुल्क का किस्मत बदलूंगा, पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। आपने मेरा पैगाम पहुंचाना है यहां के अवाम। आपने दिन रात मेहनत करना है, सुस्ती का गुंजाइश नहीं है। 18 दिन रहते हैं तो वो तमाम दिन इस्तेमाल करें, मेरे बहनों के पास जाए, मेरे भाइयों के पास जाए, उनको बताए कि ये 10 नुकाती एजेंडा बिलावल भुट्टो का वादा है आपसे, हम अपने वादे पे अमल दरामद करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। अगर आपने अपना किस्मत बदलना है, अगर आपने इस पुरानी सियासत को दफन करना है, तो आए एक नया सोच को चुने जिससे हमने एक नए सियासत की रवायत शुरू करें, जिस पे हम सिर्फ अवाम की खिदमत करें, गरीब की खिदमत करें, किसान मजदूर और नौजवान की खिदमत करें। अगर हम ये काम करते हैं तो 10 साल के अंदर ही अंदर हम इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। इस इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमाते रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए, तो जाए शेर पे मोर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक